नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत ही बुरी तरीके से मोरगा और अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के निकले हैं 5 साल, जिसके चलते जनता विधायक के किए गए कामों को लेकर काफी नाराज है, जो नाराजगी चैनल के माध्यम से पूछने पर साफ तौर से देखने मिली है। मोरगा और अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के किशोरी ग्राम में देखने को मिली है, जो की जनता का गुस्सा भी लाजमी था, ऐसा देखने को मिला है। आइए देखते हैं क्या कहती है किशोरी की जनता। हम लोग इस वक्त मोरगा और अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के केशोरी ग्राम में पहुंचे हैं, जहां हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता के बीच में क्या क्या सरकार की योजनाएं आई हैं। जैसे यहां बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, इन विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और जो यहां के जो स्थानीय विधायक हैं राजकुमार बड़ोले, इनके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने इस गाँव को अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक फंड से क्या क्या योजनाओं का लाभ दिलाया है, वो जानने का हम प्रयास करेंगे गाँव वालों से। क्या नाम है भैया आपका? धनराज पिंडा। हमारे साथ है अभी धनराज जी पेंदाम। पेंदाम जी, बताइए इस गांव में बिजली बराबर रहती है? बिजली रहती है ना बराबर। अच्छा, शिक्षा वगैरह कैसा है, स्कूल है कॉलेज वगैरह? अच्छा। यहाँ स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टर वगैरह सब मुहैया होते हैं? हाँ। कि कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है मरीज को लेकर? बाहर जाना पड़ता है ना। अच्छा, तो यहाँ स्वास्थ्य सेवा बराबर नहीं है, ऐसा आपका कहना है? हाँ। अच्छा, आपके गाँव में सड़कें वगैरह बराबर है? नहीं है, ये देखो ना ये सड़कें। अच्छा, सड़कों के हाल आपके गांव में काफ़ी ख़राब स्थिति में है। अच्छा, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ता है कि यहीं व्यवस्था है? है, व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है राजकुमार बड़ोले, उनके कामों से आप खुश है कि नाखुश है? या तो नाखुश है। नाखुश है। अच्छा, उनके माध्यम से कोई आपको लगता है कि कोई योजना वगैरह आपके गाँव में आई है? योजना तो आई कि नहीं? अच्छा, योजना नहीं आई हुई है। जैसा कि आपके गांव में कोई योजना तो है ही नहीं है। अच्छा, आपके गांव में मनरेगा के जो काम है, जो व्यवस्था इसकी जो काम किए जाते हैं रोजगार हमी के, वो काम हुए क्या आपके गांव में? रोजगार हमी? हाँ? नहीं, रोजगार हमी हुई नहीं, रोजगार हमी नहीं हुई है। अच्छा, और जानने का प्रयास करेंगे हम। आइए, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम बताइए। सुनील दलाल। सुनील दलाल। दलाल, हाँ सुनील दलाल जी, आप बताइए कि आपके गांव में क्या क्या योजना, जो विधायक है यहाँ के राजकुमार बड़ोले, उनके माध्यम से इस गांव को क्या क्या योजना मिल पाई है? हमारे केशोरी क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र में, बड़ोले साहब ने जो भी योजनाएं दी है उसका लाभ लोगों ने लिए नहीं, और देने के बाद में भी कुछ बड़ोले साहब ने किया नहीं। अच्छा। मेन बात एक है, अभी तक राजकुमार अपने मंत्री भी रह चुके, लेकिन बड़ोले साहब ने यहाँ ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। आज सड़कों भी देखेंगे तो सड़कों के हाल देखो, गुजरे से लेके तो वहाँ तक, यहाँ तक पानी की व्यवस्था जिसने किया उसने क्या, उन्होंने कुछ भी नहीं किए। अच्छा। हाँ, तो ये जो योजना है यानी उनके जो स्थानीय विकास निधि से कोई योजनाओं का लाभ इस गाँव को नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। आपके गाँव में जो स्वास्थ्य सेवा है वो कैसी है? आई की सेवा, स्वास्थ्य सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा है, अस्पताल। हाँ। अस्पताल ठीक है ना, अच्छा है ना। अच्छा। लेकिन उनके माध्यम से नहीं हुआ है वो। अच्छा। हाँ। ये सरकारी यंत्र, यहाँ जो भी डॉक्टर लाते हैं, अच्छे डॉक्टर लाते हैं, वो शिवसेना के यहाँ के कार्यकर्ते चेतन जी दहकर, उनके कहने से यहाँ के बड़े डॉक्टर आते हैं और वो सब सेवाएं होती है, लेकिन बड़ोले साहब ने ऐसा कोई डॉक्टर यहाँ पर अभी तक लाया नहीं। अच्छा। हाँ। तो इस गांव में जैसा किसानों को जो बिजली वगैरह जो दी जाती है सिंचाई के लिए, उसके लिए बिजली के लिए यानी पूरी व्यवस्था है या नहीं है? बिजली के लिए पूरी व्यवस्था है। अच्छा। हमारे लोड शेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आपका कहना है कि जो राजकुमार बड़ोले है वो निष्क्रिय विधायक है? निष्क्रिय विधायक। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भारत जागेश्वर बनकर। अच्छा, बनकर जी, आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ जो स्थानीय विधायक है राजकुमार बड़ोले, वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? वो तो सक्रिय है ही नहीं, क्योंकि आप आते नहीं, मिलते नहीं, बोलते नहीं, कुछ काम का भी नहीं करते, उसको कहा सक्रिय बोलेंगे? अच्छा, तो स्थानीय लेवल पर उनके माध्यम से कोई योजना वगैरह चली है यहाँ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और आपके गांव में पीने की पानी जितने मोदी ने निकाले है? हाँ। जो अभी ये सिस्टम वो सिस्टम वो सिस्टम वो तो मोदी का है। हाँ। बड़ोले जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, बड़ोले साहब ने कुछ नहीं किया, ऐसा आपको लगता है? ठीक है। क्या नाम है आपका? हो किरम गोटेपोड़े। अच्छा, गोटेपोड़े जी, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है राजकुमार बड़ोले, वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? निष्क्रिय लगते हैं। अच्छा, उनके माध्यम से आपको लगता है कि केशोरी का कोई जो स्थानीय विकास निधि होती है उनकी विधायक की, उससे कोई काम हुए है ऐसा लग रहा है आपको? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कुछ काम दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी आप भी मानते हैं कि वो निष्क्रिय विधायक है? अभी हाल फिलहाल तो वैसे ही बोलना पड़ेगा। अच्छा। विधानसभा का यही हाल तिरोड़ा विधानसभा में भी है और तुमसर विधानसभा में भी है, जिसके चलते विधायकों का जॉब कार्ड जनता ने बड़ी सहजता से ही विधायकों के कामों को देखकर बताया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।